दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आजकल जो भी ये आग लगने की दुर्घटनाएं सामने आ रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो आग लगने की दुर्घटनाएं सामने आ रही है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में भगवान ना करे इस तरह की घटना हो जाए कि आग लग जाए, तो उसको किस प्रकार से बुझाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 8 ऐसे पॉइंट रखूंगा जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ सकती है और इस तरह की दुर्घटना होने से आप बच सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इस बात में डिस्कस करूंगा कि अगर इस प्रकार हो जाए आपके साथ या फिर आपके आसपास कहीं पे भी किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर इस तरीके से आग लग जाए, तो उसको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे जो सेफ्टी के बारे में, कि जो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के बाद अगर आप जैसे कि घर लेके आ रहे हो, तो उसको सब बिल्कुल तुरंत ही चार्जिंग पे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल चार्जिंग पे तुरंत लगाने से क्या होता है, जब आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो तो बैटरी पहले ही काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। और दोस्तों आपको पता होगा कि बैटरी चार्ज होते टाइम और डिस्चार्ज होते टाइम दोनों ही टाइम पे हीट होती है, तो हमें हीट से बचना है। तो इस प्रकार से आप अगर कहीं से दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा रेस्ट देना है स्कूटी को, उसके बाद ही आपको चार्ज करना है। दोस्तों अगर दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं, तो दोस्तों वो है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो है क्वालिटी से रिलेटेड। हमें ऐसी कंपनी के साथ ही डील करनी है, यानी कि ऐसी ही कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है जो थोड़ी सी ब्रांडेड टाइप की कंपनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह की कंपनी का ही हमें प्रोडक्ट लेना है कि जिसकी अगर इस प्रकार की घटनाएँ होती है तो उस कंपनी को कुछ फ़र्क पड़े। कहने का मतलब अगर कोई बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी की कंपनी है और उसकी इस प्रकार से स्कूटर में आग लग भी जाती है, तो उस कंपनी के अस्तित्व पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी हुई तो और उसके स्कूटर के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसके जो साख है, मतलब मार्केट में जो उसकी इमेज है, वो उसको खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी का ही, जो थोड़ा हाई एंड के स्कूटर है, उसकी तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो हम देखिए आमतौर पे अपने स्कूटर को कहीं पे भी पार्क कर देते हैं, तो गर्मी के इस तरह के मौसम में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा होती है गर्मियों के मौसम में, तो इस तरह के गर्मियों के मौसम में हमें अवॉइड करना है कि अपने स्कूटर को जो है डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर तक खड़ा किया जाए। क्योंकि अगर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर बाई चांस आपको खड़ा करना भी पड़ रहा है, तो उस पर आप हो सके तो कवर लगा के ही खड़ा करें, अन्यथा काफ़ी हद तक कोशिश करें किसी पेड़ के नीचे या किसी शेड के नीचे ही उसको खड़ा किया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमें जो है उसमें क्या करना है कि हमें वाइब्रेशन से भी बचना है, क्योंकि जो भी कोई भी बैटरीज होती है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में सभी रोड बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो अगर आपके वहाँ पर स्मूथ रोड है तो आप उसमें ड्राइव आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड है, यानी कि मैं आपके एग्जाम्पल की तरह, अगर मान लो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर रोड बनने जा रहा है, तो उसमें नीचे का जो गिट्टी कंकर का काम है वो हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो ऊपर से जो तारकोल की रोड होती है वो नहीं बनी, तो उस तरह की कंडीशन में इंडिया में कई बार क्या होता है, 5-5, 10-10 किलोमीटर का ऐसा ही रोड होता है। तो अगर आप इस तरह की रोड पे अपने स्कूटर को चलाओगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी कम स्पीड में ही चलाएं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने स्कूटर की बैटरी को जो है ओवरचार्ज ना करें। ओवरचार्ज कहने का मतलब, वैसे तो दोस्तों इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया होता है कि स्कूटर ओवरचार्ज नहीं होता है, फिर भी अगर किसी कारणवश वो जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, तो बैटरी ओवरचार्ज के होने की कंडीशन में उसमें काफ़ी डैमेज हो सकता है। और अगर बार बार आप ओवरचार्ज करोगे, यानी कि लगा के छोड़ दिया और ओवरनाइट चार्ज हो रहा है स्कूटर, तो कहीं ना कहीं बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। चूँकि आपने कभी शायद ये नोटिस किया हो कि अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो 80% तक तो अच्छी चार्ज हो जाती है, लेकिन 80 से 100% होने में काफ़ी हीट प्रोड्यूस करती है, यानी कि अपनी 100% कैपेसिटी तक फुल चार्ज होने में बैटरी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान होता है। इसलिए आप अवॉइड करो कि उसको बिल्कुल ओवर चार्ज ना किया जाए, और हो सके तो उसको 80-90% तक ही चार्ज करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वो है दोस्तों जो बैटरियां हम निकाल कर चार्ज करते हैं, यानी कि उसमें से रिमूवेबल जो बैटरियां होती है, उस तरह की बैटरी में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी फिजिकल डैमेज ना हो, जैसे कि कोई चाकू लग गया या किसी तरह की कोई ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट लग गया जिससे कि जो बैटरी है वो फिजिकल डैमेज हो जाए। अगर आप बिल्कुल भी कहीं से भी अगर बैटरी पैक जो है पूरा वो कहीं से फिजिकल डैमेज हो जाता है, तो वो आपका एक्सीडेंट में बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है कि आपके जो बैटरी पैक है उसमें कहीं भी फिजिकल डैमेज।
दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो हमें आजकल इंडिया में जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की आदत होती है, तो आप अपने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें इस तरह के मॉडिफिकेशन ना कराएं कि उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुछ छेड़खानी करनी पड़े, यानी कि जो ज़्यादा इस तरह की लाइट लगा देना, हेडलाइट जो बहुत ज़्यादा लाइट देती हो, या इस तरह के हॉर्न लगा देना जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो, जिससे कि वजह से क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़े जाती है ताकि उसकी जो है पावर को बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से बैटरी पे ऊपर लोड पड़ता है और ओवरऑल सर्किट पे लोड पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं हीट अप होने का खतरा रहता है पूरे सिस्टम का, तो हमें इन चीजों से भी अवॉइड होना चाहिए। दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको, अगर आपके आसपास या फिर आपके ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस तरह की घटना हो जाती है या फिर आग लगने की घटना हो जाती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है हमें उस धुएं में सांस नहीं लेनी है, उससे अवॉइड करना है, मतलब जो उसके अंदर से पहले धुआं निकलेगा उसको अपनी सांस में नहीं लेना है, उसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हो। दूसरे नंबर की बात यह है, अगर हो सकता है तो अगर आपकी रिमूवेबल बैटरी है, अगर हो सकता है तो संभव है तो, मतलब कि अभी शुरू ही हुई है इस तरह की होना और आपको पता चल गया या स्मेल आ रही है या ऐसा कुछ, तो आप तुरंत उस बैटरी को निकाल के अपने व्हीकल से अलग कर दीजिए, तो उससे काफ़ी हद तक आप फायर को बचा सकती है। और अगर उसके अंदर फायर लग ही चुकी है तो आप उसको पानी से बुझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी से जो बैटरी की आग है वो नहीं बुझती है। उसको बुझाने के लिए या तो आपको CO2 का सिलेंडर चाहिए जो कि फायर ब्रिगेड के पास होता है, और अगर वो नहीं है तो आप मिट्टी या रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेत या मिट्टी के इस्तेमाल से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर की आग बुझ जाएगी एज़ कम्पेयर टू पानी। पानी से अगर आप बुझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि पानी की वजह से आग और ज़्यादा तेज हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।